नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई YouTube चैनल ऑल पर्पज़। आज मैं आप सभी को इस चीज़ डर्मल रोलर के बारे में बताने वाली हूँ। आप सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि इसे क्लीन कैसे करते हैं, डर्मल रोलर को क्लीन कैसे करते हैं, इसे अपने फेस में रोल कैसे करते हैं, और इसे रोल करने के बाद अपने फेस में कौन सा सीरम यूज़ करें। बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम डर्मल रोलर करने के बाद एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बताऊँगी, और हमारे फेस में कौन से प्रॉब्लम के लिए ये डर्मल रोलर सूटेबल है और यूज़ में आता है, इसके बारे में बताऊंगी। और कौन सा साइज़ हमारे फेस के लिए सूटेबल है और कौन से प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए, तो देख सकते हैं डर्मल रोलर की पैकेजिंग कुछ इस टाइप में आती है, देख सकते हो। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी जाके परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। ये मैंने 1.0 mm का परचेज़ किया है, स्पेशली इसे मैंने अपने स्कार्स के लिए परचेज़ किया है, क्योंकि मेरे थोड़े बड़े बड़े स्कार्स थे उसके लिए। ये स्कार्स मेरे कुछ पिंपल्स एक्ने के कारण भी हुआ है, और कुछ मेरे चिकन पॉक्स हुए थे उसके कारण भी हुआ है। तो बहुत से लोगों को चिकन पॉक्स के कारण स्कार्स रह जाते हैं, आप उसके लिए भी ये इस डर्मल रोलर का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे अनबॉक्सिंग करके ऐसे निकाल के दिखा देती हूँ कि इसे कितने अच्छे से इसे सेफली होता है, देखिए इसको। चलिए, और मैं इसे बता देती हूँ कि ये 540 नीडल्स का होता है। ये नीडल्स टाइटेनियम नीडल्स होते हैं, और आप देख सकते हो कि इसका कितने अच्छे से, इसका हैंडल भी कितने अच्छे से दिया हुआ है। आप मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होके इसे पकड़ सकते हो। आप देख सकते हो इसे कितने अच्छे अच्छे कितने नीडल्स हैं, 540 नीडल्स का है। तो ये आप परचेज़ कर सकते हो। ये डर्मल रोलर आप किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ये मैं बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्कार्स के लिए, स्कार के लिए बहुत ही लोग परेशान होते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में स्कार्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन्स हैं, उससे परेशान है, तो उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए सही नीडल्स आपको, मतलब सही साइज़ का डर्मल रोलर्स आपको यूज़ करना है कि किस साइज़ का डर्मल रोलर हमारे लिए सही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, बहुत सारे गर्ल्स को, या फिर मतलब किसी को भी जो स्ट्रेच मार्क्स से परेशान है, उसके लिए भी डर्मल रोलर अच्छा है। लेकिन वो सही नीडल यूज़ आपको लेना है, सही साइज़ का डर्मल रोलर आपको यूज़ करना है। तो मैंने 1.0 mm का यूज़ किया है, और मैं बता देती हूँ जिन लोगों के दाग धब्बे हैं वो ज़्यादा नहीं, मैं तो बोलती 0.5 mm का यूज़ करें, या फिर उससे लोअर ही यूज़ करें। जिनके झुर्रियाँ हैं उसके लिए भी, वो सिर्फ दाग धब्बे हैं, वो हमारे अंदर दाग धब्बे को ठीक करता है और हमारे जो सेल्स को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ने में सहायता करता है, इसके लिए भी यूज़ है। लेकिन स्कार्स के लिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट आप 1.0 mm का ही लें, इससे ज़्यादा आप ना लें। और अगर इससे ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। मैं डॉक्टर से सलाह लेने को ज़रूर बोलती हूँ अगर आप 1.0 mm से ज़्यादा का यूज़ करते हो। और बहुत से लोगों के लिए आप बाल जिनका हेयरफॉल होता है उनके लिए भी ये यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इस डर्मल रोलर को अपने हेड पे या फिर स्किन पे यूज़ करें। तो चलिए मैं इसे दिखा देती हूँ कि इसे किसी कैसे क्लीन करते हैं। तो आप इतने दूर तक आ ही चुके हैं मेरे वीडियो में, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि इसे कैसे क्लीन। तो आप ग्लास में गर्म पानी लो, इतना वाटर लेना है, और इस डर्मल रोलर को इस वाटर में डिप करो। इतना वाटर लेना कि ये जो डर्मल रोलर है इसमें डिप हो जाए। तो इसे आप 10 से 15 मिनट तक इसे जम्स फ्री होने के लिए छोड़ दें। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इसे ये हमारे जब रोल हो जाता है उसके बाद ये हमारे स्कार्स को कैसे रिपेयर करता है। हमारे स्कार्स में कोलेजन का कमी हो जाता है, जिसके कारण हमारे स्कार्स हील नहीं हो पाते। तो ये जब हमारे स्किन पर रोल होता है उससे हमारा स्किन हर्ट होता है। हर्ट मीन्स ज़्यादा नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम हो, इतना हर्ट करता है कि आपके कोलेजन का मात्रा बढ़े और वो आपके स्कार्स को रिपेयर करें।
तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि आप दूसरा ग्लास लेके और इतना वाटर लेके जितने वाटर में डर्मालोरा डीप हो जाए उतने में आप रबिंग अल्कोहल भी ले सकते हैं और कोई एंटीसेप्टिक ऐसे कुछ ले सकते हैं। इनसे जम्स फ्री करना है डर्मा रोलर को, तो आप रबिंग अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ इसमें कि कितने आपको कितने क्वांटिटी में इसे लेना है और वो डर्मा रोलर को डिप करना है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ इसे। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेती हूँ और कम से कम आपको इतना लेना है, इतने वाटर में इतना लेना है और आप इसे दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रबिंग अल्कोहल मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं रबिंग अल्कोहल लेने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये तो 100% वीडियो अच्छी है कि आप देख सकते हो कैसे इसे करते हैं। तो आप इतना ले लिए और इस में 15 मिनट हो चुका है तो आप इसमें डिप कर दें, फिर इसे भी उतने 15 मिनट तक छोड़ दें क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये जम्स फ्री हो। तो इसे भी मैं रख देती हूँ, फिर 15 मिनट बाद में आप इसको मैं अपने स्किन पे रोल करके दिखाती हूँ कि इसे कैसे रोल करना है। तो ये 15 मिनट हो चुका है और ये बिल्कुल जम्स फ्री हो चुका है। तो चलिए मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इसे कैसे अप्लाई करते हैं कि देखिए मेरे कुछ ऐसे स्कार्स हैं अभी भी, और एक्चुअली मैं बताऊँ मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी और मेरे स्कार्स बहुत कम हुए हैं, इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। और आपको इसे ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम भी होगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कैसे इसको। तो सबसे पहले आप इसे हल्के हाथों से ऐसे करें, फिर ऐसे करें। आप डरिएगा मत, ये मेरे स्किन को रेड कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये हल्का रेड आपके स्किन पे करेगा। हम देख सकते हैं ऊपर नीचे ऐसे करना है हल्के हल्के हाथों से। अब मैं दूसरे साइड में भी आप सभी को दिखा देती हूँ, देखिए रेड होगा पर ये टाइम के साथ चले जाएगा। और इसे मैं बोलती हूँ कि आप रात में ही यूज़ करें और फिर सो जाए ताकि इसे टाइम मिले स्किन को रिपेयर करने का मौका मिले। ऐसे ऐसे देखिए, तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इसे कैसे करते हैं और आपने सभी ने देख ही लिया कि मेरे स्कार्स आप सभी ने देख ही लिया कि कैसे मैंने किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप 1.0 mm का ले तो फोरहेड एरिया में यूज़ ना ही करें तो अच्छा होगा। हाँ, लेकिन आप नोज़ एरिया में ऐसे धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े हल्के हाथों से करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप सभी को दिखा दिया कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूँ इसके बाद आप क्या लगाएं। और हाँ, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ आप सभी को कि डर्मा रोलर करने से पहले आप अपने फेस पे कोई भी अच्छी मॉइस्चराइज़र आप लगा लें या फिर कोई भी एंटी एजिंग क्रीम लगा लें। मैंने लगा लिया था और मैं सॉरी आपको पहले बोलना भूल गई थी, तो मैंने अब बता दिया। तो इसके बाद आपको क्या लगाना चाहिए डर्मा रोलर करने के बाद, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतने महंगे मैं सीरम कैसे लूँ। तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैं तो एलोवेरा यूज़ करती हूँ और मेरे पास सीरम भी है, लेकिन मुझे एलोवेरा यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं प्रीवियस ईयर एक साल से मैं एलोवेरा डेली नाइट में लगा के सोती हूँ, और जब से मैं डर्मा रोलर कर रही हूँ मैं इसे यूज़ करती हूँ। और मैं सुबह जब मैं अपने स्किन को टच करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। तो उन लोगों के लिए जो सीरम लेने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते वो एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे लगा के दिखा देती हूँ कि इसे कैसे लगाते हैं। तो इसको देखिए अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है और नाइट में करें डर्मा रोलर के बाद इसे आप कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसके पूरे अपने फेस पे, और ऐसे भी एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ए सी ई होता है और ये एंटीबायोटिक होता है और ये एंटीसेप्टिक भी होता है जो हमारे घाव को रिपेयर करने में हेल्प करता है, क्योंकि पिंपल्स होते हैं उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो एलोवेरा तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों
को अफोर्ड नहीं कर सकते जो सीरम, उन लोगों के लिए तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे पूरा अपने स्किन पे ऐसे अप्लाई करके आप सो जाओ, आप स्किन देखोगे सुबह बिल्कुल ही अच्छी, बिल्कुल ही सॉफ्ट मिलेगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैंने आप सभी को एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। हाँ, कौन सी साइज़ की नीडल्स आप सभी के लिए सही रहेगी इसके लिए भी मैंने बता दिया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं हर एक वीक आके आप सभी को इसका डेमो दूंगी कि मेरे में कितना इम्प्रूवमेंट आया, फिर मैं आप सभी के सामने डर्मा रोलर करूँगी और आप सभी को इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगी कि सच में इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए डर्मा रोलर का, कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक। और इसे एक सप्ते में एक ही बार कीजिए, आप सभी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू।